और बताओ जाने मन, अरे आजकल कहाँ रह रही हो तुम? घर से बाहर नहीं निकल रही हो? अरे जानू क्या बताऊँ, हमारे घर जो मासी आके बैठी हुई है, नाक में दम कर दिया है। ये कौन है जिससे गुड़िया बात कर रही है? अरे मासी को मारो गोली, इन लोगों का काम ही होता है आके टांग लड़ाने का, कभी दादी का कभी मासी का, एक एक का नाटक शुरू होता है। अरे बाबा ये तो हमारे बारे में बोल रहा है, रुको रुको सुनती हूँ ये क्या बोल रहे हैं हमारे बारे में। बात तो तुम सही कर रहे हो यार, नाक में दम हो गया हम लोगों का, न घूमना फिरना सब कुछ बंद हो गया, चंडालन सी मासी आकर के घर में जो बैठ गई है। अरे बोल दे भगा दे घर से, मम्मी को बोलो बस मेहमान 2-4 दिन के होते हैं मम्मी, उसके बाद ज्यादा दिन रुके तो भेज दो यहाँ से। हाँ जानू गुस्सा तो मम्मी भी कर रही थी लेकिन क्या करे, वो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। छोड़ो चलो हम कहीं घूमने चले। अभी नहीं जा सकते, जब तक वो चली न जाए तब तक नहीं जा सकते, क्योंकि कहीं भी आना जाना उनका इंक्वायरी लगा रहता है, कहाँ गई गुड़िया, किधर गई गुड़िया, क्या करने गई गुड़िया, मम्मी भी परेशान हम भी परेशान सब परेशान है उनसे। अच्छा अच्छा तो ये बातें हमारे पीठ पीछे ये हमारी शिकायतें हो रही हैं, रुको पूछती हूँ ये कौन है साला चंडोला। ओए कौन है तू जो हमारे गुड़िया के पीछे लगा हुआ है? लो आ ही गई तुम्हारी मासी। अरे मासी आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? अच्छा मैं बताऊँ यहाँ पे क्या कर रहे, हमारी पीठ पीछे आकर के गुड़िया तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, हम तो तुम्हारे भले के बारे में सोचते थे और तुम आकर के ही हमारी शिकायत कर रही हो इधर उधर, मुझे ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। और ये लड़का कौन है? ये मेरा दोस्त है मासी। अच्छा अच्छा दोस्त है, देखो गुड़िया बुरा ना मानना लेकिन पढ़ाई लिखाई के टाइम में ये सब दोस्ती अच्छी नहीं लगती है। अरे हद है यार, आप तो बहुत चिक पिक पिक वाली इंसान हो कि हमारी लाइफ है, मैं जो समझ में आए जैसे समझ में वैसे मैं रहूं, ज्यादा पीछे ना पड़ो, आप अपनी बेटी पे ध्यान दो। हाँ वही तो, हम लोगों के बीच में टांग ना लड़ाया करो, जब मम्मी को प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है भाई हमने गलत बोल दिया सॉरी, जैसा जाहिर सी बात है जब दीदी को प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे क्यों हो सकती है, सॉरी भाई आप लोग जो मर्जी हो करो, हम कौन होते हैं बीच में बोलने वाले।